रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए सीईओ के घर से मिले 1,93,000 रुपए। जगमोहन सोनी सीईओ के घर से मिले हैं ये 1,93,000 रुपए की जो नकदी है ये बरामद हुई है। आरोपी सीईओ ने एक शिक्षक की से मांगी थी 15,000 की रिश्वत। 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे जगमोहन सोनी। जगमोहन सोनी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में FIR दर्ज हुई है। ताड़ीखेत में तैनात सहायक अध्यापक नंदन परिहार ने की थी शिकायत। मिड डे मील के वाउचर के संबंध में जगमोहन ने मांगा था स्पष्टीकरण। नंदन का आरोप, सभी का काम नियम पूर्वक हुए फिर भी मांगी थी रिश्वत। विजिलेंस ने घूस लेते हुए रंगे हाथों जगमोहन सोनी को गिरफ्तार किया है। निरीक्षण करने पर यह पाया कि हमको कोई विपरीत तथ्य नहीं मिले, इसलिए हमने यहाँ पर DU माध्यमिक के आदेश को मौखिक और अस्थायी तौर से रोका है। उसी जांच के मध्य इन्होंने जो है मेरे प्रकरण को उठा लाई, तो ये बात से पीड़ित होकर के मैंने संघ के कई पदाधिकारियों से भी बात की, प्रदेश पदाधिकारियों से भी बात की, लेकिन किसी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तो इन्होंने मुझसे 20,000 की डिमांड की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा। तो मैंने जो है 5,000 रुपये इनको नकद उसी समय दे दिए। अच्छा, बाकी 15 की 5 तारीख की तिथि इन्होंने मुझे दी थी। अच्छा। नंदन सिंह परिहार रानीखेत के रहने वाले शिक्षक हैं, उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई 28 तारीख को कि उनके पुराने प्रकरण में एक जांच प्रस्ताव जांच चल रही लंबित है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा उनसे उस जांच को निपटाने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई है। 28 तारीख को ये विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी में आकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। एक ट्रैप टीम का गठन किया गया और आज मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा को उनके ऑफिस से 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो हमारे सहयोगी दिनेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मामले पर। दिनेश, ये पूरा मामला क्या है कि सीईओ के घर से 1,93,000 रुपए बरामद किए जाते हैं, वहीं अब जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, अब तक लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामलों में पटवारी और पुलिस और छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं वो नपते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी जैसे जिले के प्रमुख पद पर बैठे अधिकारी जो है रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, वो भी जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट में। तो समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये कुमाऊं विजिलेंस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि जब एक मुख्य शिक्षा अधिकारी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कल देर रात इनको हल्द्वानी लाया गया था, आज इनको कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो वहीं हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मामले पर। तो सौरभ, जो सरकार है ऐसे लोगों को लेकर कैसे ठोस कदम उठा रही है? देखिए, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जब जो है रंगे हाथ जिला शिक्षा अधिकारी पकड़े गए हैं, तो उसके बाद जो है सरकार की भी आंखें और भी उन अधिकारियों पर रहेंगी कि आखिरकार कई जिलों की दूसरे जिलों में तो इस तरीके के घटनाक्रम नहीं हो रहे, उस पर भी अब सरकार नजर रखने जा रही है। क्योंकि लगातार जो मॉनिटरिंग होती थी, कहा जाता था कि भ्रष्टाचार ना हो, कहीं पर भी जो है लेन देन जैसी जो है शिकायतें सामने ना आए, क्योंकि पहले भी जो है लेन देन की शिकायत में कई बार ऐसे जो है छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो आज कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार वो मॉनिटरिंग किस तरीके की हो रही है और कौन अधिकारी जो इस मॉनिटरिंग को क्लीन चिट देकर इनको आगे बढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि जो जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का अधिकारी, इतने बड़े स्तर का अधिकारी है, उसके बावजूद उनकी समीक्षा ना होना, क्योंकि जिले की समीक्षा वो करते हैं और जो उनकी समीक्षा होती है वो राज्य स्तर पर होती है, तो आखिरकार राज्य स्तर पर किस तरीके से समीक्षा हो रही है उस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जी सर, अगर वहीं देखा जाए तो जो जगमोहन सोनी है उनके घर से 1,93,000 रुपए बरामद किए जाते हैं, वहीं उनको 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो ऐसे में जो प्रशासन है उनको, उन्होंने इनको निलंबित किया या नहीं, या अभी भी अपने ड्यूटी पर बने हुए हैं? देखिए, अभी तक जो है सरकार के स्तर पर कोई पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंची, जैसी रिपोर्ट पहुंचेगी उसके बाद जो सख्त कार्रवाई होने की जरूर बात की जा रही है। इसके साथ ही जो शासन के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि लेन देन का ऐसे ही जो है एक ऑडियो जो है सामने आया था, जिसके बाद जो है संबंधित अधिकारी को जो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी थे उन तक को जो है विभाग से हटा दिया गया था। तो अब जो है इतने बड़े स्तर पर जो है लापरवाही, लेन देन की चीजें जो सामने आई है, रंगे हाथ जो है एक अधिकारी पकड़ा गया है, उन पर और कठोर कार्रवाई हो सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।